वीडियो में बने रहिए देखने के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकदम मजेदार रेसिपी जिसे आप दीपावली पे बनाकर तैयार कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप इसे महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हम यहाँ पर 500 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको जब भी गेहूं का आटा लेना है तो आपको किसी बर्तन से नाप लेना है। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आटे को ले लिया है। एक चम्मच के करीब यहाँ पर नमक को ऐड कर दिया है। नमक आप यहाँ पर ज्यादा ऐड मत करना, इसमें बहुत ही कम नमक ऐड करना है। और ये यहाँ पर मैंने ले लिया है मीठा सोडा, जिस सोडे को आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वो सोडा है। तो फ्रेंड्स हमने इसे ले लिया है एक चम्मच। तो यहाँ पर एक चम्मच के करीब सोडा ऐड कर दिया है। तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर देसी घी। तो देसी घी को आपको गर्म करके ऐड करना है। तो मैंने यहाँ से देसी घी 2 चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और यहाँ पर घी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब घी और ऐड करें। तो आपको टोटल मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ 3 चम्मच घी दिया है। तो फ्रेंड्स आप क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है सिंपल पानी। सिंपल पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो सिंपल पानी को आपको देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर देना है। और यहाँ पर आपको आटे का डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ से आटे का डो लगाएंगे, पानी थोड़ा थोड़ा जैसे बताया है उसी तरीके से आपको इसके अंदर ऐड करना है। एकदम से पानी को ऐड मत करना वरना ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपका यहाँ पर जो है जो आटा है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड कर देना है और इस तरीके से आपको इसका डो लगाकर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो डो लगाना है वो ना आपको ज्यादा टाइट लगाना है ना ही ज्यादा आपको यहाँ से लूज लगाना है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमने यहाँ से डो लगा लेंगे, जैसा रोटी बनाने के लिए लगाते हैं तो उसी तरीके का यहाँ से हमने डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे साइड में रेस्ट के लिए। और यहाँ पर इंडेक्स पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। लेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर 200 ग्राम लेनी है। आप जब भी बनाएं इसे, अगर 500 ग्राम आटा है तो 200 ग्राम आपको चीनी ऐड करनी है। आधा कटोरी इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे बनाना है। इसे हमें बिना तार की बनाकर तैयार करना है। चाशनी को इसे बनने देते हैं। अब देख लेते हैं जो हमने आटा लगाया था वो हमारा किस तरीके से तैयार हुआ है। तो देखिए 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ से आटे को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आटा जो है हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो हमने इसमें सोडा ऐड किया था उसकी वजह से आप देख सकते हैं जो हमारा आटा है अच्छे से फूल चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे इस तरीके से सेट कर लेना है। तो आपको इसे हाथ से इस तरीके से दबाना है और जैसा आटे के लिए लगाते हैं डो उस तरीके से आपको इसे फेंट देना है। तो यहाँ पर आपको इसे इस तरीके से सेट कर लेना है। ये सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से बेलनी लूंगी और बेलनी से इसे इस तरीके से बेल लूंगी। तो फ्रेंड देखिए आपको इसे इस तरीके से बेल लेना है और बेलने के बाद इसे आपको 4 से 5 बार यहाँ से इस तरीके से बेलना है और कट करना है। और आपको बार बार यही इस तरीके से ही कटिंग करनी है और बेलना है। इससे क्या होगा, जो लेयर है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगी और जो हमारा यहाँ से जो मिठाई बनने वाली है वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ से बेल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से कट लगाना है आपको। इसे आपको 4 भागों में कट कर लेना है। आपको इसे कट करना है, देखिए इसके ऊपर से रखना है और रखने के बाद आपको इस तरीके से इसमें कट कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 बार आपको इस तरीके से करना है आटे को। और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ आपको इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बेलिए, काटिए और इसे इस तरीके से रखिए और इसे इस तरीके से बेल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी 4 लेयर हैं वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से जब आप इसे बना लेंगे तो इसमें क्या होगा, लेयर जो है बहुत ही अच्छे से आ जाएंगी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ चौकोर शेप में कर लिया है। और जब हम इसे बेलेंगे तो उसे आपको इस तरीके से बेलना है कि ये चौकोर ही बनकर तैयार हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल चौकोर बन चुका है। मैं इसमें कट करती हूँ। तो आपको जब इसे कट करना है तो बिल्कुल आपको इसे सेट कर लेना है, साइड से इसे निकाल देना है। बिल्कुल चौकोर पीस बनकर तैयार हो जाएंगे और यहाँ से छोटे छोटे पीसों में इसे यहाँ से कट कर लेंगे। आपको अगर बड़े साइज में पीस कट करने हैं तो आप बड़े में भी कट कर सकते हैं। और यहाँ से सभी को कट करने के बाद में एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सभी हमने पीस बना लिए और इसमें निकाल लिए हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसे तुरंत नहीं बनाना चाहते तो आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख लेना, दूसरे दिन भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं चाशनी को। चाशनी में हमने थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा हल्दी डालना है। अगर आप इसकी जगह केसर ऐड करना चाहते हो तो इसे स्किप कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुके हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है बिल्कुल, तो गर्म यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं हाई करना है इसे। तो यहाँ से अगर आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। और फ्रेंड देखिए, जब आप मिठाई बनाने के लिए इन्हें तैयार कर लें तो आपको क्या करना है, देखिए एक एक करके आपको इसे छोड़ना है एकदम से। सभी यहाँ पर जो हमारे पीस हैं उन्हें नहीं डालना है। ये क्या होगा, यहाँ पर फूलेंगे। हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था तो उसकी वजह से ये फूलेंगे यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े पीसों को इसके अंदर ऐड करना है और सभी को थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्हें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अभी इसका कलर जो है वो एकदम से चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा कलर इसमें आ चुका है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हल्का सा जो कलर था वो अच्छे से सेट हो चुका है, बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इसे एक बर्तन के अंदर निकाल लिए हैं। दूसरा जो है उसे भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाकी का हमारा ऑयल बचा उसके अंदर जो हमारे बाकी के पीस बचे हुए हैं रेसिपी के, उन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैं सभी को इसके अंदर डालती हूँ, उसके बाद में इसे फ्राई करूंगी। थोड़ा सा आपको फ्राई करने में टाइम लगेगा क्योंकि आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई करने के लिए। फ्लेम पर बनाते हैं, अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, फूट जाएंगे और टेस्टी नहीं बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दीपावली पे आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए, यहाँ से बिल्कुल कम खर्च में आप इसे अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। खूब सारी मिठाई आप महीनों तक खा सकते हैं इस तरीके से बनाकर। तो यहाँ पर इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे उसके बाद में ये तेल को छोड़ देते हैं और ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। हमें यहाँ पर टोटल 2 मिनट लगे इसे फ्राई करने में। तो देख सकते हैं आप, मैं इन्हें यहाँ से निकाल लूंगी। कल यहाँ पर आपको इसका ज्यादा डार्क नहीं करना, हल्का कलर चेंज होने तक आपको इसे निकाल देना है। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इन्हें निकाल लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये रेसिपी है वो यहाँ से बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमने इसे फ्राई कर लिया है। ऑयल भी आप देख सकते हो काफी बच गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑयल आपका ज्यादा लगेगा। तो इसे बनाने में बहुत ही कम ऑयल लगेगा आपका। अब देख लेते हैं चाशनी को। तो चाशनी हमें यहाँ से देखिए बिल्कुल गर्म को इस्तेमाल करना है और ऊपर ही आपको कढ़ाई के अंदर इसे डाल देना है यहाँ से। तो हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप इसे गर्म चाशनी के अंदर डालेंगे तो आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो अंदर तक अच्छे से चली जाएगी और जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से बनकर यहाँ से तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ से अंदर तक चाशनी जा चुकी है। अगर अंदर तक चाशनी नहीं गई तो इसमें मिठास अच्छी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो चुकी है हमारी ये रेसिपी। तो इस दीपावली पे आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बन चुकी है रेसिपी।